दोस्त माँ लव प्रेमी में आप सबको स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। आज मैं एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ और रेसिपी है चिकन प्यूरी। एंड उससे पहले कोई न्यू देख रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ढेर सारा प्लीज दोस्त कमेंट करिए एंड शेयर भी करिए, शायद किसी को हेल्पफुल होगा ये वीडियो और मुझे बहुत अच्छा लगेगा दोस्त। एंड प्लीज वीडियो स्किप मत करिए, एंड तक प्लीज देखिए, मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा दोस्त। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ चिकन प्यूरी कैसे बनता है। उससे पहले एक दोस्त सीक्रेट बात बोलना था कि मेरी बेटी को एक्चुअली 7 मंथ से शुरू की है चिकन प्यूरी, बट हाँ एक चीज है, कुछ चीज उसको इग्नोर किए, जो कि इलायची नहीं दिए, लौंग नहीं देते थे 7 मंथ से, बट मेरी बेटी अभी 15 मंथ की हो गई है, इसीलिए मैं उसमें लौंग थोड़ा इलायची एंड सॉल्ट ये डाल के दे रही हूँ। बट मेरी बेटी को तो अभी भी सॉल्ट नहीं देती हूँ, बट थोड़ा चिकन जब बनाती हूँ चिकन प्यूरी थोड़ा सा सॉल्ट डालती हूँ, क्योंकि अभी लास्ट वैक्सीन जो इस मंथ में लिए थे डॉक्टर बोले कि उसको थोड़ा सा नमक दे सकते हैं, बट थोड़ा सा दीजिए, ज़्यादा मत दीजिए, तो 2 ईयर तक थोड़ा सा कम दीजिए। बट हाँ मुझे डायरेक्टली स्ट्रिक्टली वो बोले थे कि आप नमक मत दीजिए, जब 15 मंथ की होगा उसमें थोड़ा सा नमक दीजिए चुटकी भर के। तो इसीलिए मैं जब चिकन प्यूरी बनाऊंगी आपको दिखाऊंगी कैसे बनती है। एंड अभी तो बच्चे लोग को ढेर सारा प्रोटीन की ज़रूरत है, विटामिन की ज़रूरत है, तो मेरी बेटी को एक्चुअली दोस्त मैं हर कुछ कोशिश करती हूँ विटामिन प्रोटीन कैल्शियम सब कुछ देने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, मैं उम्मीद करती हूँ दोस्त। एंड दोस्त एक्चुअली घर में मम्मी लोग को टेंशन होता है कि मेरी बेटी को कैसे क्या दूँ, इसीलिए मुझे जितना मैं सोचती हूँ कि मैं जो मेरी बेटी को खिलाती हूँ मैं आपको शेयर करूँ, जो कि शायद आपको मदद होगा ये वीडियो देख के, एंड आप कोशिश करेंगे उसी टाइप का बना के खिलाने के लिए। तो आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आएगी, आप पसंद आएगी तो दोस्त प्लीज़ कॉमेंट करिए एंड लाइक तो जरूर करिए दोस्त, आपको पर ये थोड़ा सा मेरा उम्मीद है। अब मैं बहुत ही मेहनत एक्चुअली करती हूँ दोस्त वीडियो बनाने के लिए, अकेला एडिटिंग करती हूँ, अकेला रिकॉर्डिंग करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, तो इसलिए आपका हेल्प बहुत ही ज़रूरत है मुझे तो मेरा यूट्यूब चैनल ग्रोथ होने के लिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे बनता है। दोस्त हम इतना सामान लेके चिकन प्यूरी बनाएंगे, तो चलिए मैं बताती हूँ। ये धनिया पत्ता है, ये ब्लैक पेपर है एंड ये इलायची है, ये ओनियन है, हम थोड़ा सा ओनियन लिए एंड ये लौंग है एंड हाफ टमाटो है, हम 3 टुकड़ा में काट के रखे हैं एंड हाफ पोटैटो है एंड 3 बोनलेस चिकन है, इसमें एकदम हड्डी भी नहीं है एंड थोड़ा सा राइस है, तो ये 1 स्पून से भी थोड़ा कम राइस है, ज़्यादा राइस नहीं है। तो ये सब मिला के हम लोग चिकन प्यूरी बनाएंगे, तो चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ कैसे बनता है एंड बहुत टेस्टी भी यम्मी लगता है। चिकन को अच्छी तरह क्लीन करके हम डालें एंड पोटैटो डालें, टोमेटो डालें, जो जो आपको दिखाए थे सब कुछ डालें, बट हाँ एक ही चीज़ है जो हम इलायची है, इलायची का बीज डालेंगे, छिलका नहीं डालेंगे। तो ये सब डाल के हम जो चावल रखे थे थोड़ा सा चावल वो उसको अच्छी तरह क्लीन करके सेम कटोरी में 2 कटोरी आपको वाटर डालना है। एंड इसमें हम और एक बात याद रखिए, हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे बट थोड़ा सा नमक डालेंगे अच्छी तरह कुक होने के लिए चिकन एंड अच्छा टेस्ट आने के लिए, तो इसलिए हम थोड़ा सा हल्दी एंड थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नहीं, उससे भी कम हम नमक डालें। एंड एक्चुअली मेरी बेटी 15 मंथ की हो गई है इसीलिए हम डाल रहे हैं, बट हाँ आपका बेटा की बेटी छोटे हैं तो नमक एकदम इग्नोर करिए। इसको हम 5 सीटी ढक्कन डाल दे के 5 सीटी दे देंगे एंड 5 सीटी के बाद अच्छी तरह कुक होकर रेडी है। इसका एक प्यूरी बनाएंगे, तो प्यूरी बनाने के लिए किसका मदद लेंगे, तो जार का मदद लेंगे। तो ग्राइंडर का जो जार होता है उसमें हम डाल के
हाँ, और एक बात है कि वो चिकन एंड पोटैटो राइस ये सब लीजिए, वाटर मत लीजिए, क्योंकि आप जब ग्राइंडर चलाएंगे वो पूरा घर में फैलता है तो बहुत गंदा हो जाता है। ओनली सब कुछ ड्राई चीज़ लेके उसको एक पेस्ट बना दीजिए। तो मैं इसको एक प्यूरी बना के पहले ग्राइंडिंग कर देती हूँ। तो देखिए मेरा बन के रेडी है, एंड मैं इसको एक बर्तन में निकाल दूँगी। हाँ, और एक बार निकालने के बाद ग्राइंडर में कुछ कुछ चिकन लग जाता है, जो आप प्रेशर कुकर में वाटर रखे थे उसको डाल के अच्छी तरह क्लीन मैंने ये धो के उसमें डाल दीजिए। देखिए मेरे डाल दिए, अच्छी तरह रेडी है। एंड थोड़ा सा वाटर बचा था, हम उसमें खुद नमक डाल के हम खा लिए, तो उसका वाटर भी मत फेंकिए। उसका वाटर में बहुत ही प्रोटीन है, तो आपको तो पता है चिकन में बहुत ही प्रोटीन रहता है। एंड हाँ, और एक बात दोस्त, तो इसमें थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा टुकड़ा है, बट हाँ आप वो टुकड़ा निकाल दीजिए, क्योंकि बच्चा छोटे होते हैं। एंड आपका बच्चा 7 मंथ की है तो नमक एकदम मत दीजिए, एंड थोड़ा सा टुकड़ा भी मत रखिए, वो मैंने गला में चोक हो सकता है। तो एकदम इसी टाइप का प्यूरी बना के आप इसको खिलाइए। दिखाई हूँ बनाना कैसे वो रेसिपी, तो आप सेम प्रोसेस से बना के बच्चे को खिला सकते हैं। बच्चे लोग खुश हैप्पी, तो मम्मी पापा हैप्पी। तो दोस्त, मेरी बेटी को मैं जो भी खिलाती हूँ आपको वीडियो शेयर करने के लिए सोचती हूँ कि मैं आपको शेयर करूँ, जो कि आपको मदद हो ये वीडियो में। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एंड प्लीज़ दोस्त लाइक करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपका सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है मुझे दोस्त। एंड दोस्त, मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो सच में बहुत पसंद आया होगा, एंड बहुत इजी तरह भी बन जाता है इस उम्र में। तो डॉक्टर बोलते हैं कि बच्चे का जो 0 मैंने 1 मंथ से लेके 2 ईयर तक 85% ब्रेन डेवलपमेंट होता है, बाकी बाद बाकी जो है वो टाइम के अनुसार ब्रेन डेवलपमेंट होता है। तो मैं मेरी कोशिश करती हूँ मेरी बेटी को हेल्दी खाना देने के लिए, उसके साथ एक्टिविट करके रहने के लिए। मैं भी आपको दिखाऊंगी मैं उसके साथ कैसा एक्टिविट खेलती हूँ, कैसे क्या करती हूँ, वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। बट हाँ, ये रेसिपी मैं शेयर की कि आपको हेल्प करेगा ये रेसिपी बच्चे को खिलाने के लिए। तो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिए जरूर, शेयर भी करिए दोस्त, मुझे सच में आपका सपोर्ट का ज़रूरत है। एंड मैं बहुत ही मेहनत से दोस्त वीडियो बनाती हूँ। एंड दोस्त, एक्चुअली मैं अकेला ही रिकॉर्डिंग करती हूँ, अकेला एडिटिंग करती हूँ, अकेला ही सब कुछ करती हूँ। मेरे हस्बैंड उनका ऑफिस लाइफ में बहुत बिजी रहते हैं, एंड मैं एक बच्ची का ध्यान रखती हूँ और खुद ये सब भी करती हूँ। तो सच में दोस्त, आपका बहुत ही सपोर्ट का ज़रूरत है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, एंड प्लीज़ लाइक करिए, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं अभी रखती हूँ और एक न्यू वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगी। हाँ, और एक दोस्त, मैं जो चीज़ बोलना चाहती हूँ वो मैं क्लियर नहीं बोल पाती हूँ, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो उसी की वजह से प्लीज़ मुझे खराब कमेंट प्लीज़ मत करिए, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा। बट हाँ, कुछ गलती कर रही हूँ मेरी बेटी के साथ, वो कमेंट कर सकते हैं, जो कि मैं उसको सुधारूंगी। बट हाँ, मैं कोशिश जो अकेला संभालती हूँ वो इस जिस टाइप का खाना खिलाना, उसके साथ एक्टिविट खेलना, वो सब मैं रिकॉर्डिंग करके आपको दूंगी, दिखाऊंगी कैसे क्या करती हूँ मेरी बेटी के साथ एवरी डे एवरी टाइम में। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए। मैं अभी रखती हूँ और एक न्यू वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। टाटा बाय बाय।